टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर के तरक्याती, सकाफती, सियाहती मंसूबों के साथ साथ वहाँ की रोजमर्रा जिंदगी के अवामी वाकयात का अहाता करता है। ये न्यूज बुलेटिन ANI की कर्टसी के साथ पेश किया जाता है। हम आपको इस न्यूज बुलेटिन में जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाले तरक्याती कामों के बारे में बताते रहते हैं। आज की पहली खबर में हम श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने के हवाले से एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरह मरकजी सरकार और मकामी सरकारें $120 मिलियन की लागत से श्रीनगर को स्मार्ट अंदाज के साथ स्मार्ट सिटी में बदल रही हैं। The poet Amir Khusro astutely described the beauty of Kashmir, saying that if there is a heaven on earth, it is here. And the crown of Kashmir, the city of Srinagar, has been receiving a makeover under the Srinagar Smart City Project. The Smart City mission was launched by the Ministry of Urban Development, wherein 100 cities were selected for renewal and retrofitting, with the objective to promote cities that provide core infrastructure, provide a decent quality of life to their citizens, and apply smart solutions to improve services and infrastructure. Major investments valued at around $120 million by the government are intended to increase tourism, create infrastructural development, reconstruct and repair roads, generate employment for local artists, ease the flow of information, and for the further beautification of the city. बेसिक पर्पज़ यही है कि जो हमारा श्रीनगर सिटी का जो हमारा शहर है, ये बेहतर बने, सो दैट इट बिकम्स बेटर इन टर्म्स ऑफ लिवेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक एबिलिटी। दैट्स द होल आइडिया। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन हो, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इम्प्रूव हो जाए, हमारे बाकी हेरिटेज कंजर्वेशन हो, इसी तरीके से जो हमारा रिवर है उसकी रिवर की अपग्रेडेशन हो, रिवर का जो है जो हमारी रिवर फ्रंट की इम्प्रूवमेंट हो, लेक्स की रिजुविनेशन हो। सो ब्रॉड इन वन सेंटेंस इट इज़ टू इम्प्रूव द लिवेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द सिटी। श्रीनगर, द लार्जेस्ट सिटी एंड समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इज नोन अराउंड द वर्ल्ड फॉर इट्स गार्डन्स, लेक्स, वाटर फ्रंट्स एंड नेचर। हाउएवर, द सिटी हैज बीन ड्यू फॉर अ फेसलिफ्ट। Under the Smart City Project, conservation work targeted many famous tourist attractions in Srinagar, such as Shalimar Bagh, the Mughal Gardens. Local artists have also been approached for the beautification of roadsides in the city. श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो स्मार्ट सिटी के अंदर ये एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे म्यूरल आर्ट कर रहे हैं। तो इस म्यूरल आर्ट करने का मकसद ही यही है कि यहाँ का टूरिज्म बढ़ जाए, यहाँ का टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ जाए। The area near the historical Sunday Market of Srinagar was previously plagued with poor drainage, damaged roadways, and a shortage of feasible parking, affecting the market's popularity and profitability. Construction began to improve the roadways near the famous market to draw in more visitors and promote tourism, which would ultimately support the local economy. The modern techniques utilized by the ongoing Srinagar Smart City project have bypassed the problems that harsh weather conditions presented, obstructing the developmental work. कश्मीर के हवाले से कि एक वो एक होता था यहाँ पे ब्रेक, एक महीने का ब्रेक होता था, एक अराउंड 40 डेज का ब्रेक होता था, जब कोई सीमेंट का काम नहीं किया जाता था। लेकिन हमने उस ट्रेडिशन से हट के इस पीरियड में भी काम किया, सीमेंट का काम भी किया, लेकिन हमने एडवोकेट केयर लिया, एडमिक्सर्स यूज़ किए, और जो भी मतलब हाँ टेक्नोलॉजी के हवाले से या कोर्ट्स के हवाले से जो भी हमें सेफ गार्ड्स लेने थे वो हमने लिए, और हम इसमें बड़े कामयाब हुए, और इसकी वजह से हमें काफ़ी काम काफी यू नो टाइम हमने बचा लिया। Many other projects such as the beautification of the Bund Riverside, improvement of the Jhelum Ghats, renovation and conservation of shrines,
and the development of smart centers in the city have also been completed under the Srinagar Smart City. The developmental work under the project is still ongoing, however. There are 34 projects which are underway, in addition to 64 upcoming projects. Plans also include the development of several modern amenities, like smart water and power meters, bicycle sharing services, introduction of bio toilets, introduction of electric public transport, multi-level parking lots, and the development of sewerage connection networks. There are many investments also being made by the private sector, in particular to improve connectivity in the region and to establish 5G network capabilities in the city. For example, Jio recently announced the launch of true 5G services in the region. These services were launched by Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Manoj Sinha. These major investments, conservation and renovation projects, the development of modern amenities, and the initiatives undertaken by local artists will make the lives of the 1.35 million people who call Srinagar home easier, and will further attract tourists, which will support the GDP of the state and the nation. वैली में सयाहत पहले ही बहुत मकबूल है। अब इंडियन आर्मी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ उड़ी सेक्टर में कमन पोस्ट को एक टूरिस्ट मकाम के तौर पर फरोग दे रही है। इस सिलसिला में खुसूसी रिपोर्ट देखें। यही गुजारिश है कि यहाँ पर विज़िट किया जाए। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, हमने अपने बड़ों से कहानी सुनी थी कि मतलब जुमा मोहम्मद, उनका भी यहाँ पर लगाया गया है, पूरी हिस्ट्री दिखाई गई। आज हमने पढ़ा, बड़ी खुशी हुई पूरा देख के सुन के। तो पूरा इस तरीके से यहाँ पर रेनोवेट किया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से। एक ब्यूटीफुल प्लेस है, आपको मैं बता दूँ। तो आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश है कि विजिटर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आएँ, देखें। ये झेलम नदी के साथ में, पूरे पहाड़ों के बीच में हरियाली हरियाली है, तो इस माहौल को आके इन्जॉय करें और देखें किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी हिस्ट्री लिखी गई है। आज मैं ये कमान पोस्ट आई हूँ, और इससे पहले भी मैं आई थी, और इससे पहले उतना मज़ा नहीं था, आज बहुत मज़ा है। और मैं इंडियन आर्मी को शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने फिर से मौका दिया कमान पोस्ट आने का।
कश्मीर का मुगल गार्डन एक तारीखी मुकाम है। इसकी रेनोवेशन का खुसूसी काम जारी है। रेनोवेशन के इस काम से हमें बखूबी अंदाजा होता है कि कश्मीर के तरक्याती कामों की लड़ी में कश्मीर के तारीखी मुकामात को कितनी अहमियत दी। इसका उद्देश्य विरासत मूल्य को बनाए रखना है। बेसिकली जो अभी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ दो पैवेलियन है, एक हमारे पास ब्लैक पैवेलियन है, एक हमारे पास पिंक पैवेलियन है। तो करंटली जो अभी काम हो रहा है वो है पिंक पैवेलियन पे काम हो रहा है। जैसे आपको पता ही है ये वर्ल्ड नोन साइट है शालीमार गार्डन, इसकी अपनी एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। तो ये जो पैवेलियन जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं उसमें जो पैनल्स हैं वो 16 सेंचुरी की हैं। तो 16 सेंचुरी में जहांगीर जो एम्परर था उसके टाइम की है। तो जैसे एज होने के साथ हर एक चीज़ में फ़र्क आ जाता है, चीज़ें ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो हर एक चीज़ की अपनी एक एज होती है। वैसे ये जो पैनल्स हैं जो 16 सेंचुरी में जो किया है तो इनकी भी अपनी एज है। अब ये डिटेरिएट होना स्टार्ट हुए हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इसमें क्रैक्स आ गए हैं, इसमें जो स्ट्रक्चरल काम है वो बढ़ गया है, इसका पेंट उखड़ गया है, फ्लेकिंग आ गई है। तो ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं इसमें कि जो जैसे इस पर काम हुआ है तो एग्जैक्टली हम वैसे ही करने की कोशिश कर रहे हैं। मुगल गार्डन शालीमार में हर साल दुनिया के विभिन्न हिस्सों से लाखों पर्यटक घूमने आते हैं और यहाँ की मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता का आनंद लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ और बहुत सी जगह गई हूँ, मुझे हर एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है, बहुत खूबसूरत है कश्मीर, जितना सुना था उससे ज़्यादा खूबसूरत है। रही ये गार्डन्स की बात तो मैं, ये मेरा तीसरा गार्डन है जहाँ पे मैं आई हूँ, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। बाकी जो यहाँ की चीज़ें हैं बहुत अच्छी हैं, बस थोड़ी बहुत खराबी है जो कि इनको सही करना चाहिए, बाकी बहुत खूबसूरत है, काफ़ी पुराना है। अच्छा लगा कि मतलब इतना टाइम पुराना अब तक है और इसको अच्छा कर रहे हैं, रेनोवेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा है। हर एक चीज़ देख के, इतनी पुरानी आजकल देखने को नहीं मिलती है। ये संरक्षण कार्य हेरिटेज विशेषज्ञों की देखरेख में चल रहा है।
जो पारंपरिक तरीकों और समय पर इस परियोजना को पूरा करने के लिए अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रही हैं। इसलिए इस बहुमूल्य कार्य के लिए सामान्य कारीगरों के बजाय विशेष कारीगरों का चयन किया गया है। जो काम है वो होता है वुडवर्किंग का, क्योंकि ये पूरे डैमेज हुए हैं पीछे से मॉइस्चर से, टर्माइट्स जो इसमें लगे हुए हैं तो ख़त्म हुए हैं फैन। तो फिर मेरा काम ये होता है कि मैं वुड कंसल्टेशन करता हूँ, वुड इंटीग्रेशन जो इनकी होती है वो मैं ठीक करता हूँ। वो मेरी लैब यहाँ पे है वुड कैबन, वहाँ पर मैं इनकी ये करता हूँ, वुड जो ख़राब होती है वो करते हैं, वो उनको ठीक करते हैं, जहाँ पे लॉस होता है वहाँ पे लगाते हैं, सेम वुड जो इनकी वुड इस्तेमाल हुई होती है वही इस्तेमाल करते हैं हमसे। सरकार द्वारा इस संरक्षण परियोजना पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय लोगों को, राजमिस्त्री, बढ़ई और मजदूरों को काम मिल रहा है, जिससे वे अपनी आजीविका ठीक ढंग से कमा रहे हैं। इंडियन रेलवे के पहले केबल स्टेट पुल अंजी खत की तामीर का काम जारी है। ये पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का प्रोजेक्ट है, जो जम्मू से 80 किलोमीटर दूर वाकया है। देखिए, ये अंजी ब्रिज भारतीय रेलवे की जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाली जो परियोजना है उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो रेलवे लिंक है, उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और केबल स्टे ब्रिज है। इस ब्रिज का पूरा होने के बाद कश्मीर घाटी देश के बाकी हिस्सों से जुड़ जाएगी। आप कह सकते हैं कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरी रेल का परिचालन शुरू हो जाएगा, जिससे देश और विशेषकर जम्मू कश्मीर राज्य की प्रगति में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। नॉर्दर्न रेलवे के अंडर में ये ब्रिज आता है और नॉर्दर्न रेलवे कश्मीर वैली को जोड़ने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, उसमें ये जो ब्रिज है वो कितना महत्वपूर्ण है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ब्रिज जो हमारी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन है उस पर स्थित है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस ब्रिज को बनने के बाद हम घाटी से संपर्क हमारा पूरा हो जाएगा। रेलवे के ही एक और प्रोजेक्ट में यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी विश्नोई ने बुडगाम से बारामूला के ट्रेन ट्रैक पर रेल में सफर किया और मुसाफरों से उनका फीडबैक लिया। मिनिस्टर के साथ दीगर आला रेलवे हुकाम ने भी सफर किया।
जो पृथ्वी पे स्वर्ग है, जन्नत है, उसमें रेलवे के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स का इंस्पेक्शन करने का आज कंप्लीट प्लान है, आज और कल दो दिन, और साथ ही साथ एक जिले में, बड़गांव जिले में जाके किस तरह से भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, उन सब जन कल्याणकारी योजनाओं का जमीन पे किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो देखना, लोगों की बात सुनना, रेलवे के जैसे अभी आपने देखा लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो सुन के उनको समाधान करना, ये सब है। और साथ ही साथ कल एलजी साहब के साथ, आज एलजी साहब के साथ एक मीटिंग भी रहेगी जिसमें जम्मू कश्मीर में जितनी भी रेलवे, टेलीकॉम, पोस्ट और आईटी, इनकी जितनी भी स्कीम्स है उन स्कीम्स के बारे में डिटेल चर्चा और कैसे मैक्सिमम बेनिफिट लोगों तक पहुंचे उसकी प्लानिंग। आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन ANI की कर्टिसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन।